नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जेनेटिक प्रॉब्लम ASD मतलब हार्ट को होल होना बचपन में ही, और बाद में उम्र के 61वें साल में प्रॉब्लम आना, और प्रॉब्लम आने के साथ साथ डॉक्टर ने यह कहना कि पेशेंट 15 दिन में गुजर जाएगा, बचने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन वही पेशेंट डॉक्टर BRC सर के DIP डाइट से बचता है, अच्छा भी होता है। उन्हीं का अनुभव आप डॉक्टर BRC सर के साथ ऑन स्टेज देखिए जरूर। तब बचपन में पैदा होते वक्त एक डिफेक्ट हो गया, राइट, और वो डिफेक्ट होने के बाद वो भी ठीक हो जाए तो ये एक बड़ी बात है, राइट। तो मैंने ऐसा ही एक केस देखा आपके साथ, मैं शेयर करना चाहूँगा एक केस, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट, राइट, ASD। ASD क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, और 2 चैम्बर के बीच में जो वॉल होता है उस वॉल में छेद, सिंपल भाषा में बोलते हैं हार्ट में होल। छेद होने से क्या होता है, ब्लड को जिस डायरेक्शन में फ्लो करना है उस डायरेक्शन में फ्लो ना करके थोड़ा सा ब्लड उल्टे डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, या तो बचपन में उसको पता नहीं चलता, जब वो 50 साल 60 साल की उम्र में होते हैं तब सिम्टम आने लगते हैं। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, सर्जरी से थोड़ी बहुत आयु रहती है या नहीं रहती, दैट इज़ ए डिबेटेबल, बट उस पेशेंट की जो हालत है आखिरी ज़िंदगी, वो बहुत ही मुश्किल से या पेनफुली गुजरती है। तो कुछ समय पहले की बात है, ऐसे एक पेशेंट आए, क्योंकि उनका बेटा जो है वो हमारे साथ डायबिटीज एजुकेटर थे काफ़ी समय से, पिछले 10 सालों से। तो और उसके बाद उन्होंने ये डाइट शुरू किया, और डाइट शुरू करने के बाद उन्होंने 2 महीने के अंदर उनका ऑक्सीजन छूट गया, उनकी दवाइयाँ छूट गई, उन्होंने रिपोर्ट सारे कराए और रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल आ गए। और इंसिडेंटली वो सज्जन आज हमारे बीच में है। देखिए, जेनेटिक डिफेक्ट जो बचपन में हुआ था वो ठीक हो गया हो तो ये छोटी बात नहीं, किसी भी एंगल से। आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चंद शर्मा है, मैं अजमेर राजस्थान में रहता हूँ। RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, रिटायर हो गया पिछले साल, अभी मैं 61 साल का हूँ। पिछले साल मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब मेरा सेचुरेटेड ऑक्सीजन चेक किया, वो उस समय मेरा 75 आ रहा था। उन्होंने इमीडिएट कहा मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हॉस्पिटल ले गए मुझे। अजमेर का बड़ा फेमस अस्पताल है मित्तल हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया। उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनहेल की और मेरे टेस्ट हुए, इकोकार्डियोग्राफी और भी कई सारे 10-20 तरह के टेस्ट। बाद में मैं JLN हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और वहाँ भी कंटिन्यूसली 24 घंटे ऑक्सीजन पर ही रहना पड़ता था मुझे। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा देयर इज़ नो ऑप्शन, ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट में छेद है, ASD हार्ट में छेद है, और वो इस स्टेज पर है कि ऑपरेशन होने लायक नहीं है। तो काफ़ी परेशान हो गया मैं। मेरे बेटे ने वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स अहमदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में चेक करने के लिए भेजी, वहाँ खुद गए तो उन्होंने कहा भाई इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, और चूंकि ये केस बड़ा क्रिटिकल है अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, अब तो इनको बस हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ 24 आवर ऑक्सीजन पर रखेंगे और जितना समय निकल सकता है निकल जाएगा। उसके बाद में मेरे बेटे ने डॉक्टर विष्णुराज चौधरी सर से बात की, उन्होंने मेरे सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, फाइल देखी, फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जो एक डाइट चार्ट है वो सजेस्ट किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, सर्जरी डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही करने से मना कर रहे हैं, और मैं कराना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं, 99% रिस्की मामला ऑपरेशन का, और फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने वो डाइट चार्ट ही लेना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से मेरे को ठीक होना मैं महसूस किया, करीब 7 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली लेता रहा, सुबह जूस और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया उस चार्ट को फॉलोअप करता रहा।
और लगभग 2-3 महीने में छुट्टियों पर रहा, कंटिन्यूसली चार्ट को लिया। उसमें मेरे सभी घर वालों का मुझे सहयोग था कि टाइम पर मुझे जूस देना और सैलेड देना और जो भी चीज़ उन्होंने सजेस्ट की है वो देना। वो लेते लेते मेरे को ऑक्सीजन लेने की जो ज़रूरत कम हुई, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलीज होते ही घर पे मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे और कंटिन्यूसली मतलब एक बड़ा सिलेंडर है जो 17 घंटे ही काम करता था, तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा सिलेंडर आता था। फिर धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेना कम हुआ और करीबन 1 महीने के अंदर अंदर तो मुझे ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं रही। उसके बाद मैं पहले ऐसा हमारी हालत थी कि 10 कदम में चलता हूँ सांस फूल जाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अभी हम राजस्थान से फ्लाई करके आए, IGI एयरपोर्ट से मेट्रो में लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल भी चले होंगे, कई जगह सीढ़ियाँ भी आई होगी, मैं इजीली चढ़ जाता हूँ। आज मैंने नौकरी से रिटायर होने के बाद वापस मैंने जॉब भी ज्वाइन कर रखा है और ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर विश्वरूप चौधरी।